हम लोग ने अभी अभी घर रेनोवेट किया है, 1 महीने के बाद देख रहा हूँ मैं इसको। हाँ 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 पटाखे फोड़ रही है ये तो। हाँ हाँ, और उसके बाद जैसे ही मैं चाबी लगा रहा हूँ बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। भगवान ने फरिश्ता भेजा है मेरे लिए, मेरी मदद करने के लिए। हेलो गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, आई एम फ्रॉम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? बहुत टाइम के बाद मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। इतने दिनों से कहाँ पे गायब था उसके पीछे की थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे का ये जो बैकग्राउंड है वो कुछ बदला बदला सा लग रहा है। इसका मतलब हम लोग ने अभी अभी घर रेनोवेट किया है, मई महीने में काम कम्प्लीट हुआ। उसके बाद फिर मैं STCW का कोर्स कर रहा था, उसकी एग्ज़ाम पेंडिंग है तो स्टडी में थोड़ा बिजी हुई, इसलिए मैं एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10:25। घड़ी पे मत जाओ, घड़ी 15 मिनट आगे रखी है घर वालों ने। तो अभी मैं जा रहा हूँ जैन जी, और आज का जो सीन है वो वहाँ पे चल के मैं बताता हूँ कि क्या है, क्यों जा रहा हूँ। ओके, तो दोपहर के 2 बज रहे हैं अभी, और अभी मैं जैन जी पहुँचा हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया, ट्रेन से आया इसलिए इतना लेट हो गया। और सिल्वा अपनी यहाँ पे ही खड़ी है बाहर, और इसका सब काम अभी हो चुका है। एक बार विघ्नेश से पूछता हूँ क्या सीन है। फिलहाल विघ्नेश अभी है नहीं यहाँ पे, विघ्नेश कहीं पे गया है काम से बाहर, अभी आएगा 5 मिनट में। कॉल किया था जैन उनको। यहाँ पे बाइक्स अभी कम है रोज के मुकाबले। एक Z900 है, डेटोना, द बीस्ट V4S, दैट हार्ले एंड 790। ये एक यूनिक बाइक है सुजुकी की, इनाजुमा। चावी दे पहले, चावी दे। मेरा चावी में पहचानता हूँ। 1 महीने के बाद देख रहा हूँ मैं इसको। अभी चावी लगा के स्टार्ट करेंगे। इसके बैटरी में भी प्रॉब्लम आया था, बैटरी की कॉइल चली गई थी, और उससे बहुत कुछ सीन हो गए थे। बहुत बहुत तकलीफ़ में था मैं। पुणे लेके गया था इसको बीच में। बहुत स्टोरी है लंबी, ऑन द वे बताता हूँ मैं। तो बैटरी का इशू भी सॉल्व हो गया है, और अभी जो आवाज़ आ रहा था वो भी बंद हो चुका है। ये बाकी है क्या लगाना? ये क्यों निकाला था ये वाला? अच्छा, तब से लगाया नहीं है। एक साइड का लग रहा है, एक साइड तो मिल रहा नहीं। ये भी लगवा के ले लिया मैंने। बारिश चालू हो गई है। ये लास्ट टाइम मेरा जो स्विंगा में ना, इसका जो थ्रेडिंग रहता है यहाँ पे, वो पूरा चले गया था। तो इसमें भी अभी ड्रिल करवा के लेत वाले के पास से पूरा वापस ओके करवा लिया है। अभी एकदम टाइट है, ज़रा भी नहीं हिल रहा है। गाड़ी बहुत गंदी है, तो बारिश में धुलवाने का मतलब ही नहीं बनता है। बेली का तो भूल ही गया था मैं। बेली लग ली। नाइस, नवीन हेड। ओके, न्यू हेड, बेली। मतलब कैम्स वगैरह सगे लगे, न्यू कूलेंट, कलर का आप लोग वाटर ऑयल सी ले लेंगे। किलोमीटर मिनिमम चलाना, अब उसके बाद ही सर्विस है। व्हाट अबाउट डीबी किलर? डीबी किलर, डीबी किलर लेट, वेट, रुक जा, थोड़ा टाइम दे और उसको। ठीक है, फर्स्ट सर्विस या सेकंड सर्विस के बाद। ओके, ठीक है। अब इतना 3,000 किधर चला हो रहा है इसको? ट्यूनिंग का मैं तेरे को ऑप्शन बताता हूँ बाद में कॉल करके, अभी बात करते हैं तो पता तो। ओके, ठीक है। अभी तो Map 1 Map 2 है ना चालू? हाँ, Map 1 ओनली इन द सिटी, कोल्ड स्टार्ट पे Map 1, और ट्रैफिक में रहेगा Map 1। हाईवे पे रहेगा, ओपन रोड मेरा सीधा Map 2। ओके, और हर बार कोल्ड स्टार्ट RPM 7 खींच सकता है ना? अभी आ रहा हूँ 1000 किलोमीटर तक, 7.5-8 तक, उसके बाद रेड लाइन करना शुरू। BS4 एग्जॉस्ट, इसको देख के मैं बहुत खुश होता हूँ। ये चीज़ मेरे को कब से चाहिए थी। इधर लेके जा रहा है बिडू। ओके, अपना सब पुराना सामान इसमें है क्या कुछ? हाँ, इसमें कूलेंट है, तेरा मेन पाइप, एंड कैन, मिड कैन, और ये भी मेरा ही है ना? नहीं, वो मेरा। अच्छा, ये तेरा है। हाँ, इसको पोर्टर कर दे फिर। हाँ? पोर्टर कर दे। दिखाएगा, जो नहीं बोलेगा वही करेगा। मेरा ध्यान बार बार इसकी तरफ ही जा रहा है। क्या लगती है यार, सीरियसली, मतलब नज़र हट ही नहीं रही है। ओके, सब पेंडिंग काम हो चुका है। क्वालिटी चेक हो गया तेरा? क्वालिटी चेक। हाँ, अभी कोल्ड स्टार्ट करते इसको। कितना चलिए? 19487। ओके, न्यूट्रल पे है। मेरे कान तरस गए थे तेरा आवाज़ सुनने के लिए।
ये स्टॉलिंग का सीन क्या है मेरे को समझता ही नहीं है इसका। वापस बंद, आवाज, बैटरी का आवाज देखा अभी, उसका भी प्रॉब्लम है क्या स्टार्टर मोटर का? A few moments later. बारिश भी चालू हो गई यार, अभी वापस रेनकोट पहनो, गोप्रो को वाटरप्रूफ बनाओ। बारिश मतलब बहुत तकलीफ होती है बाइकर्स को, स्पेशली मेरे को। हा 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 हा, पटाखे फोड़ रही है ये तो। आहा, क्या आपको सुनाई दे रहा है? ये बंद क्यों गिरी है ऐसे बीच में? लेट्स गो। क्लच का सेटिंग कुछ चेंज किया है लगता है। क्लच का सेटिंग चेंज किया है क्या? फुल क्लच किया है क्या? फुल क्लच किया है तो क्या थोड़े चलाएगा? पहले ऐसा नहीं था बे, पहले अलग था थोड़ा। ओह वाओ, हाँ पुल देखो, इसी पावर को तो मिस कर रहा था मैं। हाँ हाँ, गियर स्मूथ लग रहे हैं। लास्ट टाइम भी लेके गया था मैं, तभी भी स्टार्टिंग में गियर स्मूथ लग रहे थे, लेकिन पुणे पहुँचते पहुँचते वापस हार्ड हो गए थे, पता नहीं, वो तो पूरा प्रॉब्लम ही अलग था। अभी जो इसको खींचने का मन कर रहा है मुझे, वो हाईवे पे ही मिलेगा। बस बारिश आ गई, फटाफट यू टर्न मार के भागते भाई। अबे यार, ये क्लच की सेटिंग की वजह से थोड़ा मेरे को अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, यूज टू नहीं हूँ। ओहो नाइस, जो आवाज़ आ रहा था पहले वो अभी नहीं आ रहा है, इतना तो प्रॉपरली समझ में आ रहा है इंजन के साउंड के ऊपर से। बस अभी पेमेंट करता हूँ और निकलता हूँ फटफट। ऑल गुड, ऑल गुड, यस, कुछ प्रॉब्लम आया तो कॉल करता हूँ। यहाँ से निकलते निकलते तो 1 बज गया, अभी फटफट घर पे भागता हूँ। ये गली में तो शूट नहीं करूँगा, हाईवे पे पहुँचने दो एक बार, फिर बातें करते हैं। इधर थोड़ा गाड़ियों पे आजू बाजू कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है, ये तो कोई भी किधर से भी डाल देता है। ये मीरा रोड है भाई, लोग आ गए फाइनली हाईवे पे, एक स्ट्रेच तो होना चाहिए। लेकिन रोड्स की हालत वैसी नहीं है और ये कभी नहीं सुधरेगी, चाहे किसका भी सरकार आए, ये ऐसा ही रहने वाला है। मैंने लास्ट व्लॉग में भी बोला था कि BS6 से BS4 बहुत लाउड है और पावर भी अलग ही फील होती है BS4 की। इसको चला के मैं आज इतना खुश हूँ ना, मेरी खुशी में शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि पिछले 7 से 8 महीनों से मैंने इसको राइड ही नहीं किया है दिल खोल के। और अभी बात करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, किस काम के लिए दिया था। इंजन रिबिल्ड तो इसका हो चुका था, लेकिन इंजन में एक नॉइस आ रहा था, फिर भी रिबिल्ड होने के बाद भी वो विग्नेश को भी पता नहीं चल रहा था, ना जैन को पता चल रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको ऐसे ही चला, एक तो ये प्रॉब्लम चली जाएगी या फिर ये बढ़ेगी। अगर बढ़ गई तो प्रॉब्लम क्या है वो डिटेक्ट करने के लिए ईजी होगा, और नॉइस चले गया तो वो तो अच्छा ही हो गया फिर, लेकिन वो नॉइस तो गया नहीं। तो ऐसी हालत में मैं इसको लेके पुणे जा रहा था मेरे दोस्त की शादी में, और सीन ऐसा हुआ कि मैंने खोपोली में एक ब्रेक लिया था, टी ब्रेक, और थोड़ा फ्रेश हो रहा था मैं। तो उसके बाद मैंने एक इंस्टा पे स्टोरी अपलोड की कि हाँ चलो कि किधर तो राइड पे जा रहा हूँ मैं। और उसके बाद जैसे ही मैं चाबी लगा रहा हूँ, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैं बोला ये क्या हो गया, और मेरे साथ एक पिलियन भी था, तो वो टाइम पे थोड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था, क्योंकि शादी में पहुंचने के लिए लेट हो जाता था मैं। करूँ क्या सोचा, आजू बाजू गैरेज वाला दिख नहीं रहा था पहले तो। फिर मैंने धक्का स्टार्ट करके चालू करने देखा, धक्का स्टार्ट भी नहीं हो रहा था, बहुत 5-6 बार ट्राई किया नहीं हो रहा है। फिर मैंने लोकल से पूछा कि यहाँ पे आजू बाजू में कहाँ पे गैरेज है क्या, तो लकीली एक गैरेज मिल गया, वहाँ पे मैंने दिखाया तो बोल रहा था कि बैटरी डेड हो गई है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे, बैटरी तो अभी जस्ट रिबिल्ड के टाइम पे नया डाला था, तो ऐसे कैसे डेड हो सकता है? तो बोला कि 1 घंटा चार्ज करना पड़ेगा एटलीस्ट, तब आप पुणे पहुंच पाओगे, नहीं तो इसका बीच में ही कार्यक्रम हो जाएगा। तो मैंने 1 घंटा वहाँ पे चार्ज के लिए दी बैटरी, बैटरी चार्ज होने के बाद मैं निकला वहाँ से। तो बैटरी वाले ने पहले ही बताया था कि ये बैटरी ज़्यादा देर चलेगी नहीं, तो कहाँ पे रुक मत, जहाँ पे तुझे जाना है वहाँ पे पहुँच के ही रुकना सीधा। तो इसलिए मैं बाइक बंद भी नहीं कर रहा था, लेकिन तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक लेने का डिसाइड किया नींबू पानी पीने के लिए। और वो टाइम पे भी मैंने बाइक
ऑफ नहीं की थी, न्यूट्रल पे डाल के साइड में खड़ी कर दी थी ताकि बंद ना हो। नींबू पानी पी रहा था कि बाइक बंद हो गई और मैं अभी समझ गया कि अभी इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसको अभी टो ही करना पड़ेगा। तो मैंने KTM में कॉल करके पूछा कि आर एस ए अवेलेबल है या नहीं KTM पुणे में, तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे आप हो उतना दूर तो हम नहीं आ सकते ऐसा ऐसा। तो मैंने गूगल से एक दूसरा नंबर लिया थर्ड पार्टी टोचन वाले का और उसको बुलाया कॉल करके, तो वो आया लगभग आधे घंटे के बाद। फिर उसको मैं लेके गया पिंपरी चिंचवड़ के KTM में। वहाँ पे जाने के बाद जब मैंने उसको बताया मेरा प्रॉब्लम, तो सेम नखरा जो हर सर्विस सेंटर वाला करता है कि गाड़ी छोड़ के आना पड़ेगा। भाई मैं रहता हूँ बॉम्बे में, सर्विस सेंटर तेरा पुणे में, मैं एक दिन छोड़ के करूँ क्या उधर? तो वहाँ पे भी मुझे हेल्प नहीं हुई, लेकिन लकीली विघ्नेश का दोस्त और मेरा भी दोस्त शशांक वहाँ पे था पुणे में, वो पुणे ही शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे आते जाते रहता है, और लकीली वो टाइम पे वो पुणे में ही था और उसका छुट्टी भी था, तो वो भाग के आया मेरी मदद के लिए। फिर हम लोग एक गैरेज में गए, वहाँ पे सब खोला, देखा बैटरी का क्या सीन है, मल्टीमीटर वगैरह लगाया। उसके बाद शशांक बोला कि इसका कॉइल या तो और कुछ तो बोला, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, तो वो गया रहेगा। तो बाद में बोला कि कॉइल तो नहीं गई रहेगी, तो जो दूसरा पार्ट था वो हमने लगाया। वो पार्ट लगाने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही था कि कॉइल चली गई है। मुझे शादी भी नहीं मिली, शाम के 6-7 भी बज गए थे, तो शशांक ने मेरे को बोला कि एक काम करते तू मेरे ड्यूक की भी बैटरी लेके जा, नहीं तो बीच में तू अटक जाएगा, मुंबई भी पहुँच नहीं पाएगा। तो दो बैटरी मैंने कैरी किया ड्यूक का और आया, एक बैटरी मेरा चला लगभग DY पाटिल स्टेडियम तक और दूसरा बैटरी मैंने वहाँ पे डाला। तो मुझे लगा मैं घर तो पहुँच जाऊँगा, लेकिन ऐसा सीन हुआ कि वो बैटरी भी बंद गिर गया एरोली टोल के यहाँ पे और मैं लटक गया। मैं इतना मतलब प्रे कर रहा था कि भगवान कुछ तो कर, कुछ तो कर, यहाँ से निकाल, कोई तो टोचन देने वाला मिलना चाहिए। और लकीली एक DO वाला बंदा आता है और वो पूरा मुझे एरोली से जोगेश्वरी तक टो मारता है। मतलब मुझे वो मोमेंट पे ऐसा लगा ना कि भाई भगवान ने फरिश्ता भेजा है मेरे लिए, मेरी मदद करने के लिए। मतलब सीरियसली वो मोमेंट ऐसा था ना कि मैं प्रे कर रहा हूँ और बंदा सामने से चल के आया, मैंने अप्रोच भी नहीं किया। तो अच्छे कर्म करो, ऊपर वाला अभी सब देख रहा है, बस यही सीन था। फिर उसके बाद इसको पार्किंग में मैंने रख दिया था। फिर 3-4 दिन बाद विघ्नेश आके इसको लेके गया। अभी इस चीज़ को हो गया लगभग 1-1.5 महीना। मई के स्टार्टिंग में कुछ लेके गया था विघ्नेश, क्योंकि मेरा पुणे का जो ट्रिप हुआ था वो 28 अप्रैल को था, तो उसके 3-4 दिन मतलब मई के स्टार्टिंग में, और अभी जून आधा ख़त्म होने आ गया, 1.5 महीना तो हो गया बाइक नहीं चलाए हुए। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो बैटरी का जो भी था, इसका कॉइल गया था एक्चुअली में, तो कॉइल भी चेंज हो गया है, बैटरी तो वैसे भी मेरा नया ही था। अभी सब प्रॉब्लम सॉर्टेड है, इसका कॉन्सेट का काम करना बाकी है, लेकिन ऑलरेडी मेरा कुछ 1,07,000-10,000 ऐसा स्पेंड हो चुका है। तो विघ्नेश बोला कि 2-3 महीने और रुक, इस पे चला, अभी इतना भी ये नहीं हुआ है खराब, तो मोस्टली मैं 2-3 महीने के बाद कॉन्सेट चेंज करूँगा इसका और फोक रिबिल्ड भी करूँगा, क्योंकि वो भी जब से बाइक लिया 4 साल पूरा हो गया 13 जून को, तो 4 साल में मेरा एक भी बार ऑयल सील लीक नहीं हुआ है, जबकि लोगों के KTM के खड़े खड़े में ऑयल सील लीक हो जाते हैं। वो एक मुझे मेरे बाइक की बहुत अच्छी लगी कि ऑयल सेल का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिया है, बल्कि मेरा राइडिंग स्टाइल भी एकदम अग्रेसिव है, गड्ढे वड्ढे कुदाते रहता हूँ, तो इसलिए विघ्नेश बोला कि एक बार इंजन तो हो गया है, अभी फोक रिबिल्ड भी कर दे, मतलब बाइक एकदम टिप टॉप हो जाएगी। और इसका जो अभी ग्राउंड क्लियरेंस का प्रॉब्लम मुझे आ रहा था वो भी चले गए हैं, क्योंकि अभी अपना एग्जॉस्ट BS4 पे रन कर रहा है। हीटिंग इशू बढ़ गया है पहले से ज़्यादा, लेकिन वो मैनेजेबल है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन बाइक जब स्पीड ब्रेकर पे नीचे से टच होती थी ना, तो ऐसा लगता था कि मेरे दिल पे स्क्रैच आया है वो। वाओ, व्हाट अ पावर मैन, ये सब मैं कितने टाइम से मिस कर रहा था। दिस एड्रेनलिन, फक ड्यूड, फक ये फीलिंग। एक बार तो 390 चला लो दोस्तों, किसी दोस्त के पास होगी तो एक बार लेके चला के देखो, मजा नहीं आया तो पैसे वापस भाई। मतलब ये जो मशीन है ना, कभी डिसअपॉइंट नहीं करती है। और इस पे अभी मैंने BS4 का बेली भी लगाया है, क्योंकि BS6 का और BS4 का बेली अलग था, क्योंकि BS6 का जो पाइप था वो नीचे से जाता था, तो इसलिए उसका बेली डिफरेंट था। अभी BS4 का बेली भी लग गया है, और मैं सोच रहा हूँ
कि थोड़े महीने के बाद आरसी का बेली इंस्टॉल करूँ इसमें, तो उससे बाइक का लुक थोड़ा और एनहांस होगा, थोड़ा और बल्किनेस आएगा बाइक में। देखते हैं कैसा क्या है। अभी फिलहाल पैसों की बहुत कमी है क्योंकि बहुत खर्चा हो चुका है बाइक पे और मेरा एग्ज़ाम भी है, तो ये व्लॉग भी मैं कब एडिट करके अपलोड करूँगा मुझे खुद पता नहीं है। हो गया ट्रैफिक फिर से चालू, आज सैटरडे है। पहले सैटरडे में हाईवे खाली मिलते थे, इन लॉकडाउन के बाद भैया सब चेंज हो गया है। अभी तो संडे को भी हाईवे खाली नहीं मिलते, पता नहीं लोग वीकेंड के लिए बाहर जाते बाहर से वापस आते क्या सीन है। चलो फिर। अरे भैया क्या, ये बस वाला पागल हो गया है क्या, अब ठोक देता मैं सामने वाले को, अटका दिया हम लोग को। तो ठीक है, ये ट्रैफिक में अभी क्या ही दिखाऊँ। ये शॉर्ट एंड सिंपल अपडेट व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, इस व्लॉग को यही एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, नए आए हो तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर, लिव इन पीस।